भाई जो कल का मैंने निफ्टी का प्रेडिक्शन किया था वो 100% एक्यूरेट निकली है। और जो हमने आपको कॉल दिया था कि भाई मेरे अभी आप वेट मत करो, मार्केट करेक्शन के मोड में है, अभी प्राइस करेक्शन का देखते ही आप उसका स्टेप ले लेना। और देखो वो आप लोगों ने लिया या नहीं लिया वो आपकी मर्जी है। मैं आपको बताता हूं कि हाँ, जो बड़े बड़े थिंक टैंक्स हैं उन्होंने इस पर स्टेप जरूर ले लिया है। आइए देखते हैं सबसे पहले मार्केट का हाल, उसके बाद में फिर आगे की बात करेंगे सब्जेक्ट पर। सबसे पहले देखिए निफ्टी आपकी 92 पॉइंट डाउन हुई है, सेंसेक्स आपका 361 पॉइंट डाउन हुआ है, निफ्टी बैंक आपका 263 पॉइंट डाउन हुआ है, निफ्टी आईटी आपका 219 पॉइंट डाउन हुआ है और निफ्टी स्मॉल कैप ओनली 45 पॉइंट डाउन हुआ है। अब मैं आपको क्यों बोल रहा हूं कि जो हमने आपको कॉल दिया था वो स्टेप देख लो कि सारों ने लिया है। डेली आप देखना कि काफी दिनों से FIIs आपके सेलर रहे थे लेकिन आज उन्होंने 10 CR क्या किया है, बाई किया है। वही बोलते हैं ना, बड़े बेआबरू होके निकले तुम्हारे दर से। तो ये हमारे दर से बेआबरू होकर के निकलने के बाद में हमारे DIIs, मैंने आपको बताया था, इंतजार कर रहे हैं, उनके पास पैसा, उन्होंने चंक रखा हुआ है यस लगाने के लिए, मौके का इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही मौका आया और हमने आप लोगों को कॉल दिया था उन्होंने वही स्टेप लिया, 5024 करोड़ का आज देखिए आपके DIIs ने एक है भी चंक का बाई किया है, ठीक है ना। तो अब आप लोगों को आज की डेट में स्टेप लेना चाहिए था और मुझे इस बात का कहीं ना कहीं अंदेशा था। मैं आपको बता दूं कि मुझे यह था कि मैं कल बिजी हो जाऊंगा और मैं आपको बताता हूं कल हमने क्या स्टेप लिया है। वैसे मैं किसी भी फंड का प्रमोटर नहीं हूं, लार्ज कैप में देखो मेरे कितने गए हैं, मेरे गए हैं लार्ज और लार्ज एंड मिड कैप मिला करके गए हैं मेरे 5, 2, 7, 2, 9, 2, 11, 11,400 ये गए हैं। एंड मिड कैप में, प्योर मिड कैप में मेरा गया है 2100 रुपया और उसके बाद में स्मॉल कैप में मेरा गया है 2100 रुपया। उससे पहले देखिए 13 मार्च को मेरा फ्लेक्सी कैप में गया था 2500 और 12 मार्च को जिस दिन हैवी करेक्शन आया था किसमें, आपका स्मॉल कैप में, उस दिन मेरा 5000 का लमसम गया था किसमें, स्मॉल कैप में। तो इस प्रकार से आपको कहीं ना कहीं ये स्ट्रैटेजी अपनानी पड़ेगी। लेकिन अब बात कर लेते हैं, इसको समझने में आपको थोड़ी सी टाइम लगेगा। अब देखो हमने तो आपको बता दिया था, इतनी मेहनत करी थी, रात के 12 बजे आपको निफ्टी का प्रेडिक्शन बताया था, बोलो हाँ या ना। उसके बाद में अगला भी स्टेप आपको बताया था और हमारे एक वही मासूम से व्यूअर ने, उन्होंने कमेंट करा था कि अंकल जी कितना परेशान हो गए, होली है और उसके बाद में आप भी आराम कर लो। लेकिन मैंने एक ही रिप्लाई दिया था कि बेटा कई सारे ऐसे हमारे मासूम और इनोसेंट इन्वेस्टर्स हैं जो कि हमारे सब्सक्राइबर और व्यूअर हैं, वो अमीरी की तरफ जो उन्होंने जर्नी स्टार्ट करी हुई है वो वहां पर पहुंचने में बाधित हो जाएंगे, तो मेरे को ये करना ही पड़ेगा। क्यों? बिकॉज क्या है कि ये एक जो है परमार्थ का काम है। अगर आपका थोड़ा सा भला होता है ना, उससे मुझे एनर्जी बूस्ट होती है। अगर आपको आपके एक्युमुलेशन से आपके प्रॉफिट में जितना ही आपको गेन होगा ना, उतना ही जितनी ही आपकी पीड़ा कम होगी। सबसे पहली बात तो क्या, इससे आपकी पीड़ा कम होगी। क्यों पीड़ा कम होगी? क्योंकि भाई देखो किसी को भी हो, गिरावट में पीड़ा तो होती ही होती है, ये बात बिल्कुल जाहिर सी है। दूसरी बात क्या है कि जब ये गिरावट में आपको एक ये बोध हो जाएगा, अभी मैं आता हूं आज के सब्जेक्ट पर, फिर उसके बाद में, क्योंकि ये जो पर्सनल टाइप का मैटर नहीं है। एंड आज की है मार्केट न्यूज आपको दे दिया, एंड स्मॉल कैप फॉर लॉन्ग टर्म, मैंने क्या बताया था, मैं बात जरूर करूंगा, चाहे कितना भी प्रेशर पड़े कोई से फर्क नहीं पड़ता। इसलिए नहीं पड़ता है कि जो स्ट्रैटेजी स्ट्रैटेजी है, ये भारत क्या है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, सबका हक है, सबका हक है अपने पैसे को सही जगह पर लगाने का, सही जगह पर करने का। लेकिन आप इस बात को समझ लीजिए, आपने देखा है क्योंकि मेरी एज कितनी है, 49 की है, फिर भी मैं लार्ज एंड मिड कैप, लार्ज कैप, उसके बाद में इसमें थीमेटिक विकास फंड है और उसके बाद मेरे पास मुश्किल से 5 या 1 फंड मैं अभी बढ़ाने का सोच रहा हूँ, कौन सा इंडेक्स फंड कोई भी मैं बढ़ाऊंगा, अब उसके बाद में काफी सारा करूंगा, रिसर्च करूंगा। तो इनमें देखो अभी देखो आप मिड कैप और स्मॉल कैप में मेरा बिल्कुल लमसम के मामले में चूजी होकर के मैं चल रहा हूँ। क्यों? क्योंकि इसमें रिस्क, देखो प्रॉफिट तो है यार बट रिस्क भी है। अब लार्ज एंड मिड कैप में हमारा वही हो जा रहा है, ठीक है ना। चलिए ये हो गई बात की बात हो गई, अब हम बात कर लेते हैं स्मॉल कैप फंड फॉर लॉन्ग टर्म। देखो यार सबसे पहली बात तो क्या है कि जो पुराने थोड़े से इन्वेस्टर है ना, उनको इस बात का पता है,
जो मैं बोलता हूं उस बात को उनको अच्छे से समझ में आती है। जो नए हमारे इन्वेस्टर्स हैं उनको मैं बोलना चाहूंगा, सबसे पहले आप सुनी सुनाई बात में एक तो नंबर वन ना जाए, ठीक है ना। दूसरी बात मैं बोलना चाहूंगा कि आपको अभी जो है मार्केट का तजुर्बा नहीं है तो डायरेक्ट शेयर में तो आप जा नहीं सकते हो। जब मैं इतने सालों में मैंने बोला नहीं, म्यूचुअल फंड इज द बेस्ट ऑप्शन, क्योंकि यहां पर कंप्लीट डाइवर्सिफिकेशन मिल जाता, उतना डाइवर्सिफिकेशन हम नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। तीसरी और सबसे अच्छी बात क्या है कि आपको जो नए इन्वेस्टर हैं उनको मार्केट का उतार चढ़ाव की समझ नहीं है, ये बात भी आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी आई होप। तो अब आपने करना क्या है, आपने सबसे पहले ये करना है, जो आप नए इन्वेस्टर हैं वो सबसे पहले आप हाइब्रिड फंड की तरफ एक बार देखने की कोशिश करें, ठीक है ना। किस फंड की तरफ? हाइब्रिड फंड की तरफ, क्योंकि आपको मैंने सबसे पहला जो टिप दिया है सुनी सुनाई बात पर इन्वेस्टमेंट नहीं करना है बिकॉज आपको नॉलेज नहीं है, ठीक है ना। साल आठ साल इसमें आप चलते रहिए, क्योंकि आपने सोचा अरे यार इतना रिटर्न दिया इसने, अब आपको यही नहीं पता है कि यार इसका मुझे रिटर्न कौन सा चेक करना है, इसका मुझे बाकी क्राइटेरिया कौन कौन सा चेक करना है, इसमें मुझे जानकारी क्या क्या रखनी है। अब कई सारे लोग जो बाद में बातचीत के बाद में पता चलता है या उन्होंने जब हमें बताया है फिर उसके बाद में, तो कई सारे लोग क्या करते हैं कि उस फंड का जिसका रिटर्न थोड़ा सा दिख जाता है ना वो देख करके उस फंड को चूज कर लेते हैं, ठीक है। तो पहला तो आप ये करिए कि यहां पर चलिए और बस एक फंड रखिए आप और एक SIP कर दिए, उसको आप ट्रैक करिए, ठीक है ना। और जिसका 50,000 से 1,00,000 रुपए जिसको लगाना है, और उसके बाद में जिसका छोटा अमाउंट है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, जिसका थोड़ा सा और अगर बड़ा अमाउंट है वो एक हाइब्रिड लो, ठीक है ना, और उसके बाद में एक लार्ज लो, ठीक है, और वो एक मिड ले सकता है जिसका थोड़ा सा ज्यादा है, 2,000 की 5,000 की जिसकी SIP है, जिसका छोटा अमाउंट है 1,000-2,000 का है वो हाइब्रिड या लार्ज लेकर के उस पर संतुष्ट हो जाओ। फिर उसके बाद में आप आराम से इस पर, यहां पे ये हाइब्रिड को अवॉइड कर सकते हैं, आप यहां पर फ्लेक्सी ले लो, एक फ्लेक्सी ले लो, एक लार्ज ले लो, एक मिड ले लो जिसके पास थोड़ा सा और पैसा है। उसके बाद में इसमें छोटा सा अमाउंट डाल करके साल आठ साल इसको ट्रैक करने की कोशिश करो, बिकॉज आपको जानकारी नहीं है, ठीक है ना। फिर जब आपको ये उतार चढ़ाव और ये इसकी भाषा समझ में आ जाती है, उसमें आपने चेक क्या क्या करना है एक फंड में वो आपको बता देता हूं, क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए आपका जो आज का सब्जेक्ट है स्मॉल कैप में जाने की, ठीक है ना। तो वहां पर जाने के लिए आपने क्या करना है, आपने ये देखना है कि आपने सबसे पहले अपने निफ्टी से उसको कंपेयर करना है अपने फंड को। कम से कम 5 साल का ट्रैक रहा फंड का चुनाव करते समय ये चीज आपको देखनी है। एक तो आप 5 साल का उसका मिनिमम ट्रैक रिकॉर्ड करो, अगर वो 10 साल का उसका ट्रैक रिकॉर्ड मिल सकता है तो वो द बेस्ट है। उसमें आप देखो कि कितनी साल उसने आपके फंड ने उसके बेंचमार्क के निफ्टी को उसने बीट किया है। अगर स्मॉल कैप का फंड है तो निफ्टी स्मॉल कैप को वो बीट कर रहा है आपका फंड की नहीं बीट कर रहा है। जैसा कि आपको मैंने अभी मेरे ख्याल से एक वीडियो में बताया था, मैंने 27 फंड्स में से बहुत सारे फंड हैं, तकरीबन 22 फंड्स ऐसे हैं जिन्होंने अपने बेंचमार्क को बीट ही नहीं किया है। और जाहिर सी बात है ये बात मैंने ही आपको बताई थी कि वॉरेन बफेट का ये कोट मेरे को मिला था। और खास करके मैं एक बात बताऊं आपको, आपको बड़ा सुन करके ताजुब होगा, US के अंदर ना मैक्सिमम इंडेक्स फंड क्या करते हैं, डायरेक्ट फंड को बीट कर जाते हैं, लेकिन अपने यहां पर ऐसा नहीं होता। अपने यहां पर 10 सालों में एक बार जरूर इंडेक्स फंड उसको बीट करता है, लेकिन इसका यह मतलब कतई नहीं है कि डायरेक्ट फंड आपके उससे बेटर अल्फा जनरेट करके नहीं देते हैं। अल्फा जनरेशन का मतलब यही होता है कि आपको कितना गेन बना करके आपका फंड दे रहा है। तो आपने जब उसको बेंचमार्क से ट्रैक कर लिया, ठीक है ना, देखो भाई थोड़ा सा अगर आपको समझ बढ़ानी है तो आपको सुनना और देखना तो पड़ेगा ही यार, टाइम तो आपको देना पड़ेगा। विकास कहे कि अगर मैं इतना टाइम दे रहा हूं तो आपको भी देना ही पड़ेगा। अब तो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल इतना हाई हो गया है कि पूछिए मत, इसलिए हाई हो गया है कि निफ्टी वही मूव कर रही है, मार्केट वही मूव कर रही है जहां पे मैं आपको बता रहा हूं, जहां पे मैंने मान लिया। सपोज करो आज की डेट में अगर हमने ये कॉल आपको दे दिया था कि भाई आप
पक्का डालना शुरू कर दो। लेकिन साथ साथ मैंने यह भी आपको बता दिया था कि अगर उस लेवल को पार कर देता है, अगर 22,300 को क्रॉस कर देता है तो आप ठंडे बैठ जाना, लेकिन अगर इसके बीच में चलता है तो भी आप लेना, और डाउन के साइड में जाता है तो बल्ले बल्ले लेना ही लेना है। तो अब इतना सटीक अगर आपको प्रेडिक्शन आपको मिला है तो जाहिर सी बात है कि आपको पोजिशन तो अपनी लेनी चाहिए थी। अभी आज बात हो रही है लॉन्ग टर्म के लिए आपके स्मॉल कैप फंड के सिलेक्शन की। जैसे ही आप अपने आप का माइंड मेकअप कर लेते हैं, आपको ये जानकारी हो जाती है कि भाई मेरे, जैसे मेरे किस व्यूअर ने कहा था, ठीक है ओके अंकल, 10 साल मेरे को कोई टेंशन नहीं है और मैं चद्दर तान करके सो जाऊंगा, द बेस्ट है। किसी ने बोला मैं कयामत तक इंतजार करूंगा, द बेस्ट है। तो जब इस प्रकार की भावना लेकर के, लेकिन इंतजार करूंगा मीन्स आपको अपने फंड को ट्रैक भी करते रहना है, ये बात आपने मानना है और ये चीज आपने पूछनी भी है कि यस मेरा ये पर्टिकुलर फंड है और उसके बाद में ये क्या कर रहा है, उसकी परफॉर्मेंस को देख करके तभी मैं बताता हूं यस ये ओके है, इसको आप रखो या इसको आप ना रखो। ठीक है, पर्टिकुलर फंड का मैं मानता हूं कि किसी का भी प्रमोट इसलिए नहीं करना है यार, मुझे कुछ नहीं लेना देना, क्योंकि मैं उसके स्टॉक्स देख लेता हूं, उसके अपना सेक्टर देख लेता हूं, फिर उसके बाद में ये देखता हूं कि वो अपने बेंचमार्क को बीट कर रहा है कि नहीं बीट कर रहा है, उसके बाद में उसका रोलिंग रिटर्न जो है ये देख लेता हूँ, अपना रोलिंग रिटर्न देख लेता हूँ, अल्फा बीटा देख करके उस ये सारी चीजें मैं देखने के बाद में तब जाकर के आपको ये बोलता हूँ कि यस आपका ये फंड सही है, आपने जो निर्णय लिया है वो एज के मुताबिक द बेस्ट है, आप चलते रहो। इतना ही बोला जा सकता है पब्लिक प्लेस पे, इससे ज्यादा आपको मेन बात क्या हो रहा है कि आपने ये देखना है कि वो फंड आपके लिए सूट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अब बात हो रही स्मॉल कैप फंड की। स्मॉल कैप फंड में देखिए भाई, अब मान ले मेरी एज 49 है, मेरा एक्युमुलेशन हो गया है, काफी दिनों से मेरा इसमें चल रहा है, लेकिन फिर भी अभी मैं स्मॉल कैप से क्या कर रहा हूं, एलोकेशन को अपने धीरे धीरे मुझे ज्यादा नहीं बढ़ाना है। SIP मेरी आज के टाइम पर भी, मैं आपको रियलिटी बताऊं, मेरी SIP लार्ज कैप और मिड कैप से ज्यादा, लार्ज एंड मिड कैप से ज्यादा स्मॉल कैप में ही जा रही है। तो देन मैं लमसप में स्मॉल कैप का रिस्क क्यों लूं, मेरी बात समझ रहे हो, क्योंकि मेरे को पता है कि मेरे आने वाले कई सारे गोल्स मेरे नजदीक आ रहे हैं। नजदीक आ रहे हैं मींस क्या है, अब मुझे इसको तो मान लिया नहीं निकालना है, मेरे काम बाकी मत से मेरे चल जाएंगे, क्योंकि मैंने उन चीजों को रिडीम करा हुआ है या उनको इकट्ठा करा हुआ है, तो हर जगह पे मेरे कौन से फंड से कितना निकालना हो, तो ये सारी चीजें जब आपको समझ में आ जाएगी ना, पहले आप एक या दो फंड लो, उसके बाद में तीसरा अपने गोल के टारगेट जब आपको समझ में आने लगे, जो बिल्कुल न्यू इन्वेस्टर है जिनके पास पूंजी छोटी है, मैं उनकी बात करूं, धीरे धीरे आप उसका एक्युमुलेशन कर लो। जब अब आप आइए यहां पर, कहां पर आपने बिल्कुल गेम खेलना है, गेम यहां खेलना है आपने जब आपके पास, ठीक है ना, कौन सा आपका जो आपने कार्पस अपना लगाया है और प्लस एक जो उसका आपको गेन हुआ है, ठीक है ना, गेन का और ये वाला कार्पस आपका, ठीक है ना, नोशनल प्रॉफिट जिसको हम बोल सकते हैं जो नोशनल प्रॉफिट बोलते हैं, नोशनल प्रॉफिट और आपका मेन जो है एक्युमुलेशन है, ये दोनों मिलकर के जब आपके 10 लाख हो जाते हैं ना, ठीक है ना, 10 लाख होने के बाद में फिर आप क्या करो, आपको यहां से कंपाउंडिंग दिखनी शुरू हो जाएगी, ठीक है ना, यहां से आपकी कंपाउंडिंग दिखनी। अब मैं आपको एक बात बताऊं कि मेरे एक मित्र थे एंड वो थे कहां के, उड़ीसा के थे, तो उन्होंने क्या किया, बिल्कुल हाई राइज मार्केट थी 2021 की, ठीक है, उनके पास कहीं से पैसा पड़ा हुआ था, हाँ उनकी वाइफ का पैसा था, वाइफ का पैसा था, वाइफ ने बोला कि मुझे गोल्ड लेना है, उस समय सोना 29,000 से भागा नहीं था, 41 या 42 पर नहीं पहुंचा था, बिल्कुल आपको बताना बहुत जरूरी है, इसको आप जो है बहुत ध्यान से सुन लेना। अब ऐसे एक दिन बात चल रही थी, उत्तराखंड के हमारे मित्र थे रावत जी, वो थे, मैं था, और ये सारे सब बस जो सब इकट्ठा हुए थे, आई थिंक कि ये सब बस सब नहाने के लिए इकट्ठा हुए थे, तो
ऐसे बस बात चल रही थी, तो मैंने बोला यार आजकल तो काफी सारा बीच में हो गया था अपना, इसके टाइम पर अपना कोविड के टाइम पर, तो मैं काफी जो है अपना डर गया था, लेकिन फिर उसके बाद में कोविड जैसे जैसे अपना रिलैक्स होना शुरू किया, वैसे वैसे मैंने अपना पेस बढ़ाना शुरू कर दिया, फिर मैं डरा नहीं। और मेरे दो तीन मित्र थे, उन्होंने आपस में हमने डिस्कस किया यार जो होगा देखा जाएगा। तो 2020 के बाद में 2021 जुलाई वुलाई तक हमने काफी सारा मतलब जो है जो भी हमारे पास था वो हमने किया, लेकिन यार बहुत ज्यादा कर दिया, करीब 100% से ज्यादा का रिटर्न हो गया। अरे 100% हो गया? और मेरे को चौंक के बोले कुछ नहीं, मोटे से थे, बोले कुछ नहीं, गुटागुट चाय पिए। तो अब चाय पीते पीते फिर मैं पूछा क्या हो गया भाई है? तो एक ने वो किया मजाक किया, इनको चाहिए मच्छी चाहिए इनको दादा को, दादा बोले नहीं अब मैं जा रहा हूँ और मुझे जाना है। बाद में पता चला दादा के पास 10 लाख रुपए उनकी मैडम का था, उन्होंने उठा करके डाल दिया। अब उस पीक में उन्होंने क्या किया, जो अब उनको कुछ तो था नहीं, कुछ तजुर्बा तो था नहीं, उन्होंने क्या किया उस पीक पर उठा करके कि मेरा वो एक का डेढ़ हो जाएगा, दो हो जाएगा, बोले यार डेढ़ नहीं होगा, दो तो हो जाएगा। जब 2022 आया, उन्होंने नवंबर आई थिंक जो है नवंबर महीने में उन्होंने डाल दिया, अक्टूबर के बाद में जैसे थोड़ा सा डाउन देखा डाल दिया जो है, ना तजुर्बा था ना उन्होंने पूछा, अगर पूछा होता तो मैं उनको तुरंत मना कर देता यार भाई क्या कर रहा है यार, इस समय ऑल टाइम हाई पर, उस समय 63,000 के आसपास आपका ये था सेंसेक्स था और 18,000 समथिंग के आसपास उस समय गया था आपका निफ्टी गया था, ठीक है ना। आईटी भी बूम कर रहा था, बैंक भी बूम कर रहा था, स्मॉल कैप भी बूम कर रहा था, लार्ज कैप भी बूम कर रहा था, सब बूम कर रहे थे कोविड के बाद में, डाल दिए भाई साहब। अब जैसे ही उनकी वाइफ का मन था कि हम इसका क्या करेंगे, हम गोल्ड ले लेंगे, और इन्होंने डाल दिया। डालने के बाद में जैसे मार्च अप्रैल आया, इनका सीधे वो 10 का 8 हो गया। हाँ अप्रैल मई आया वो सीधा पहुंच गया, मेरे ख्याल से अप्रैल मई आते आते वो 8 से भी डाउन दिखने लगा, ठन गई घर में। रावत जी को उन्होंने फोन किया, बोला यार रावत वो मैं उस दिन जो चल रही थी बात चल रही थी, मैंने बात सुनकर क्यों कर दिया। रावत ने बोला यार एक बार ना पूछना तो था कम से कम। तो अब उनके घर में मच गई कला। तो यार जहां पर इस टाइप का है ना, ये अपना कला वाली है, जानकारी नहीं है, मेन सेंस क्या है इस चीज को लाना कि उसको फिर उस टाइप का ना तो फंड चूज करना है, ना ही रॉन्ग टाइम पर आपने अपना लमसम लेना है, और ना ही उस समय बिना जानकारी के बिना गोल के। हाँ लंबा गोल है उस समय आपकी एज है तो आप पक्का स्मॉल कैप लीजिए, कोई उसमें बुराई नहीं है, क्योंकि आपको भी पता है कि स्मॉल कैप ज्यादा ज्यादा रिटर्न देगा, लेकिन स्मॉल कैप ही रिटर्न देगा या स्मॉल कैप ही निफ्टी बेंचमार्क को बीट करेगा कल, इसीलिए मैंने रोलिंग रिटर्न वाला आपको बाकायदा समझाया था। आप देखिए अभी परफॉर्मेंस 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 सब लोग गाना गा रहे हैं, लेकिन आप बोलिए जो स्ट्रेस टेस्ट हुआ है अभी, आप बताइए जो स्ट्रेस टेस्ट हुआ है अभी, जो फंड आपके फिसड्डी है ना, उन फिसड्डी फंडों ने बोला हम 3 दिन में रिडीम करके दे देंगे 50%, 25%, और आपके जो टॉप के परफॉर्मर बोल रहे हैं मुझे 50 दिन लगेगा, मुझे 25 दिन लगेगा, मुझे 30 दिन लगेगा बोल रहे हैं ना। तो अब आप इसी से ही अंदाजा लगा लीजिए कि वो कितने तैयार हैं, या उन्होंने अपना एवीएम बढ़ाने के लिए क्या क्या आत्मघाती स्टेप लिए हैं, वो आत्मघाती स्टेप उन्होंने अपने लिए नहीं लिए हैं, वो आत्मघाती स्टेप उन्होंने इन्वेस्टर्स के पैसे के साथ खिलवाड़ किया। उनका पैसा होता क्या वो उस टाइप का स्टेप लेते नहीं लेते, वो इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए वो सही हुआ है। मैं सही बताऊं माधवीपुरी बूच मैम वो लेडी हैं जो कि कम से कम वो आम लोगों के जनहित में फैसला लेने के लिए जानी जाती हैं, वो इतनी काबिल ऑफिसर हैं वो, और इस स्ट्रेस टेस्ट में कई सारे के नकाब उतर गए हैं, और कई सारे लोगों के भी दिमाग से स्मॉल कैप और मिड कैप का भूत उतर गया है। जिसका एग्जांपल मैं आपको बताऊं, फरवरी महीने में इसका जो जो ये हुई है ना गिरावट हुई है, इसमें काफी सारा इनफ्लो रुक गया है आपका, लेकिन एक बात मजे की आपको मैं बताता हूं, इसको इसको जरूर सुन लेना, जो कि मैं मानता हूं कि
कि ये जो स्मॉल इन्फ्लुएंसर्स है ना, जिनको लोग बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं ऐसा, सेबी के रजिस्टर नहीं, जो सेबी के रजिस्टर वगैरह हो जाते हैं ना, वो मेरे ख्याल से ज्यादा लोगों का अपना भला नहीं चाहते, अपना ही भला चाहते हैं। ये इनकी बदौलत ये हुआ, दो जो 2020-21 की हुई थी ना अपना गिरावट हुई थी 22, उसके वनस्पति 40% मतलब जो कम लोग इस बार भागे हैं, मतलब वो डटे रहे मार्केट में, बात समझ रहे हैं आप, वो डटे रहे हैं। तो उसमें डटने वाले लोगों की स्ट्रेंथ क्या हुई है, संख्या जो है ना वो बढ़ी है, नंबर ऑफ पर्सन जो है ना वो वहां पर रिटेन किए हैं, मतलब सस्टेन किए हैं। ये बहुत बड़ी खुशी की बात है कि आज का इन्वेस्टर अगर मान ले उस प्रेशर को झेल रहा है, उसको सरवाइव कर रहा है, और वो जान रहा है कि इसने ऊपर जाना जाना, इसने प्रॉफिट देना देना, देश ने तरक्की करना ही करना है, तो आप इस प्रकार से अपने लॉन्ग टर्म के लिए स्मॉल कैप फंड का सिलेक्शन कर सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन आपका होराइजन 10 साल से अगर थोड़ा भी कम है ना तो प्लीज मत लेना, 15 साल से कम है तो मत लेना, 10 से 15 के बीच में अगर आपका टाइम है ना तो आप बिंदास होकर के लीजिए, कोई आपको टेंशन नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन दोस्तों मैं यही बोलना चाहूंगा कि केवल इस पर डिपेंड हो जाओ कि मुझे इतना रिटर्न मिल जाएगा, मुझे इतना ये मिल जाएगा, वहीं पर ही बर्बादी का सबब हो जाता है जब आप ओवर ग्रीडी हो जाते हो। हर किसी का मैं ये मान ही नहीं सकता हूं कि कोई भी आदमी होगा, किसी भी एज का होगा, उसका गोल सिर्फ और सिर्फ स्मॉल कैप से ही पूरा होगा, कहीं ना कहीं वो बहुत ही हाई लेवल के ग्रीड का वशीभूत आदमी होगा, मान करके चलिए। हाँ मान लेता हूं, चाइल्ड मैरिज हो गया, न्यू बॉर्न बेबी है, उसका एजुकेशन हो गया, उसके एजुकेशन में भी 15 साल के बाद में अगर आपको चाहिए तो कम से कम 12 साल पर आपको निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि आप क्यों रिस्क लोगे उसके बाद मार्केट डाउन हो गई तो, बात समझ रहे हैं मेरी। तो इस प्रकार से अगर है, देखिए मैंने इसीलिए आज अपना एग्जाम्पल भी दे दिया, आपका एलोकेशन एजेड आदमी का इतना एलोकेशन होना चाहिए, और जो नई एज के हैं उनका थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है, बट 100% आप स्मॉल कैप मिड कैप में कर दो। हो सकता है आप लोग यंग जनरेशन जो होंगे वो मेरे ऊपर गुस्सा भी होंगे, तो ठीक है यार, अगर गुस्सा हो गए तो हम उसको भी झेलेंगे, हमारा काम है झेलना, क्योंकि हम आपसे एज में वरिष्ठ हैं, अनुभव में वरिष्ठ हैं, और अनुभव का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों काफी सारी बातचीत आज जो चली है, न्यूज भी आपको अच्छी लगी होगी, प्रेडिक्शन भी आपको अच्छा लगा होगा, और स्मॉल कैप फंड के सिलेक्शन के लिए जो मैंने बताया है, न्यू कमर्स के लिए जो इंट्री के लिए बताया है, प्रेशर कैसे अब्जॉर्ब करो, ये सारी चीजें आपके दिल को छू जाएंगी। अगर दिल को छूती हैं तो रिवार्ड तो बनता है यार, और रिवार्ड आपको पता है, लाइक से सब्सक्राइब, थैंक यू।